ये वाला जनरली प्रॉब्लम जो है ना, ये आपने वो √2 √3 जब प्लॉट किया हो ना, तो √2 और √3 की प्लॉटिंग भी बिल्कुल इसी तरीके से होती है, सर्कुलर वाली स्पाइरलिंग में, तो बिल्कुल उसी तरीके से स्पाइरल प्रॉब्लम है ये एक तरीके का। और इस स्पाइरल प्रॉब्लम की दिक्कत क्या है कि यहाँ से और यहाँ के बीच में आपका नेट रेजिस्टेंस पूछा गया है, तो हमेशा शुरू करेंगे बिल्कुल एंड से, बिल्कुल। अच्छा ये एक और चीज, ये जरूरी नहीं कि इतने पर ही छोड़ दे, और आगे भी क्या कर सकता है, ऐड कर सकता है, जितने वो चाहे उतने वो ऐड कर सकता है, एकदम लास्ट से शुरू करना इस वाले हिस्से से। ये रहा ए और बी, हमारे पास एक रीजन, हमने क्या किया, बैटरी बनाया और कनेक्ट कर दिया, हमने करंट पास किया, तो करंट यहाँ पर आने के बाद करंट 1 2 3 4 5 6 7 8, करंट को कितने मिले रास्ते, 8 रास्ते मिले। तो जो करंट का 8वां हिस्सा है, I8, ये I8 इधर आएगा, यहाँ भी क्या आएगा, I8, मतलब ये दोनों मुझे किस में दिख गए, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों जैसी सीरीज सॉल्व करोगे इसके साथ क्या मिलेगा, पैरेलल, जैसी इसको सॉल्व करोगे इसके साथ सीरीज, फिर सॉल्व करोगे इसके साथ पैरेलल, फिर सॉल्व करोगे इसके साथ सीरीज, इसके साथ पैरेलल, सीरीज पैरेलल, सीरीज पैरेलल, सीरीज पैरेलल, सीरीज पैरेलल, आंसर आ गया।